हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमें आशा है आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। चलो आज की वीडियो हम लोग सीख लेते हैं एक यूज का प्रयोग। यूज ऑफ व्हाट गोज टू, हम लोग सीखेंगे आज थोड़े इसके बारे में कुछ डिटेल जान लेते हैं, उसके बाद आगे सीखते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं व्हाट, व्हाट मीन्स क्या होता है, मैं पिछले एक वीडियो में बता भी चुका हूँ आप लोगों ने, शायद मुझे आशा उसको देखा होगा। अगर देखा होगा तो आप लोगों को इसके बारे में पता होगा। मैं व्हाट, व्हाट मीन्स होता है सिर्फ क्या होता है, गो यहाँ पर, लेकिन मैं गो नहीं लिखा हूँ, गोज लिखा हूँ, क्योंकि ये सिंगुलर नाउन में था तो इसे मैं क्या करना है, प्लुरल नाउन में बनाना है। तो गो को हम क्या करते हैं, गोज लिख देते हैं। गो मीन्स आप लोग जानते हैं क्या होता है, गोज आपका एक मिस होता है जाना, क्या होता है गोज मिस आपका, गो मिस जाना होता है। इसी को हम लोग सिंगुलर नाउन से ना करके इसी को हम लोग प्लुरल नाउन में कर दिए, एक वचन से ना करके बहुवचन में कर दिए हैं, इसलिए यहाँ पर हम लोग इसको गोज कर दिए हैं। टू, टू आपका एक प्रीपोजिशंस होता है जो कि इस ग्रामर्स को बनाने में मदद कर रहा है। प्लस यहाँ पर इसका मतलब होगा मे, क्या होता है इसका मतलब भाई, मे होता है। फिर से समझ लेते हैं, व्हाट क्या, गोज मिस जाना, टू इस ग्रामर्स को मदद भी कर रहा है, प्लस इसका अर्थ जो इस ग्रामर्स में निकलेगा मे का अर्थ निकलेगा। किसका अर्थ निकलेगा भाई, मे का अर्थ निकलेगा। चलो देख लेते हैं आगे। सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं हम लोग। चलिए आइडेंटिफाई करते हैं इसको। इसकी आइडेंटिटी जो हो जाती है, क्या जाता है, इसकी आइडेंटिटी हम लोग क्या कर लेंगे भाई, क्या जाता है, क्या करेंगे इसकी आईडी भाई, क्या जाता है। जैसे कि मैंने बताया व्हाट, क्या, गो मिस जाना होता है नहीं लगाते हैं यदि आप तब भी आपका ग्रामर सही रहता है, लगा देते हैं तब भी सही है। क्या जाता है, इसका आईडी क्या हो जाएगा, क्या जाता है। इसके बाद इसका सूत्र बनाते हैं, व्हाट प्लस गोज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स लिख देंगे, और लास्ट में क्या लगाएंगे भाई, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। व्हाट गोज टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क इसलिए लगा दे रहे हैं क्योंकि सेंटेंस की शुरुआत जो हो रही है क्या शब्द से हो रही है, किस शब्द से हो रही है, क्या शब्द से हो रही है, इसलिए हम लोग यहां पर क्या लगा दे रहे हैं भाई, क्या के लिए, जो क्वेश्चन वर्ड से इसकी शुरुआत हो रही है, इसलिए हम लोग यहां पर क्वेश्चन वर्ड लगा दे रहे हैं। क्या लगा दे रहे हैं, क्वेश्चन वर्ड लगा दे रहे हैं। चलो इसका एक छोटा सा एग्जांपल समझ लेते हैं। क्या, जैसे अंग्रेजी सीखने में क्या जाता है, अंग्रेजी सीखने में क्या जाता है, क्या लिख दिया गया भाई, अंग्रेजी सीखने में क्या जाता है। तो हमने पहले भी आपको बताया क्या करना है, सेंटेंस को किस हिसाब से करना है। तो हमें इसमें यह नहीं देखना कि अंग्रेजी पहले आया क्या आया है, हमें टोटल सूत्र के हिसाब से चलना है। किसके हिसाब से चलना है भाई, सूत्र यानी कि फार्मूला, कंस्ट्रक्शन के या स्ट्रक्चर के हिसाब से चलना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे सूत्र में कह क्या रहा है। सूत्र में आपके कह रहे हैं सबसे पहले आपको व्हाट उतारना है, क्या उतार लेना है, ये हिंदी एग्जाम्पल था, आप इसका इंग्लिश समझ लेते हैं। तो सबसे पहले कहा जा रहा है व्हाट, सबसे पहले आपको क्या करना है, व्हाट यहाँ पर उतार देना है, क्या उतार देना है, व्हाट। उसके बाद इसमें कह रहा है गोज उतार दो, गोज उतार दो आप ऐसे सीधा सीधा। फिर उसके बाद हमें कह रहा है टू उतारने, टू उतार दो। मैं पहले भी बता चुका हूँ पिछले भी वीडियो, इस वीडियो में फिर से बता दे रहा हूँ कि टू के बाद 99% वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। व्हाट गोज टू, फिर क्या बोल रहा है, लर्न इंग्लिश, लर्न। अब उसके बाद यहां पर एक आर्टिकल्स का प्रयोग करेंगे, व्हाट गोज टू लर्न, क्योंकि हम पहले भी बता चुके हैं कि कोई लैंग्वेज होता है तो उसके पहले आर्टिकल्स का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं, द आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करेंगे। व्हाट गोज टू लर्न दी बोलेंगे, दी
इंग्लिश करेंगे, क्योंकि लैंग्वेज के पहले हमें ध्यान होना चाहिए इस चीज़ के बारे में कि कोई लैंग्वेज यदि आ जाती तो वहाँ पर दा नहीं बोलते बल्कि हम लोग क्या बोलते हैं, दी बोलते हैं। देखते हैं क्या, सॉरी, अंग्रेजी सीखने में क्या जाता है, व्हाट गोज टू लर्न दी इंग्लिश। ठीक है, फिर से एक बार इसको आप लोगों को डिटेल में समझा देते हैं। मैंने आज आपकी आज की क्लास में आप लोगों को बताया व्हाट गोज टू आइडेंटिटी हो जाती है, क्या जाता है, कंस्ट्रक्शन हो जाता है वाज गोज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। एग्जांपल्स हिंदी में, अंग्रेजी सीखने में क्या जाता है, व्हाट गोज टू लर्न द इंग्लिश। हमें आशा है यह वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जितने लोगों तक हो सके इसको सब्सक्राइब करते रहिए आप लोग।